क्रिकेट के मैच में कोई बच्चा हारने लगता है तो वो कभी विकेट लेके भागता है, कभी बैट लेके भागता है, कभी झगड़ा करने लगता है और खेल को बिगाड़ने की कोशिश करता है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में उसी दयनीय दशा में पहुंच चुकी है, उसी दयनीय हालत में पहुंच गई है कि वो चुनाव से पहले प्रत्याशी का अपहरण करने पर उतर आई है, चुनाव से पहले अपनी हार मानने पर उतर आई है, चुनाव से पहले लोकतंत्र का गला घोटने पर उतर आई है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कंचन जरीवाला, जिन्होंने बाकायदा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपना नॉमिनेशन किया, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बने, पहले से पार्टी के लिए प्रचार करते रहे, कल अचानक कुछ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे किस्म के लोग, अराजक तत्व उनको लेकर जबरन चुनाव कार्यालय में आरओ दफ्तर में आते हैं, वहां पर पहले प्रयास करते हैं कि इनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए, और जब नॉमिनेशन रद्द नहीं होता है तो कंचन जरीवाला का अपहरण करके उसको लेकर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं विधायकों का अपहरण करती है अलग अलग राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए, गोवा हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात, विधायकों का अपहरण किया गया इन तमाम राज्यों का जिसका मैंने नाम लिया, और गुजरात के अंदर तो लोकतंत्र का गला घोट के चुनाव प्रक्रिया का माखौल उड़ाकर भारत के निर्वाचन आयोग को चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। प्रत्याशी हमारा लापता है, कल से पूरी पार्टी परेशान है, पूरी पार्टी की लीडरशिप परेशान है, सूरत की इकाई परेशान है, गोपाल इटालिया, मनोज सरतिया, अल्पेश, सारे लोग परेशान है कि कहां है हमारा प्रत्याशी, घर पे ताला बंद है, 10-10 बार कार्यकर्ता जा चुके, पूरी रात से हम लोग सोए नहीं। आप ये कर रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना है चुनाव लड़िए ना। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में क्या किया उसकी उपलब्धियां बताइए। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे, वो बता रहे हैं कैसे हम 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो बता रहे हैं कैसे हम गुजरात के अंदर व्यवस्था को ठीक करेंगे। ईशुदान जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो बता रहे हैं किसानों की, नौजवानों की, माताओं बहनों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का अपहरण कर रही है। ये क्या चुनाव हो रहा है, ये किस प्रकार से लोकतंत्र का माखौल उड़ाया जा रहा है गुजरात के अंदर। मैं भारत के निर्वाचन आयोग से और गुजरात के प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करें और कंचन जरीवाला को चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से रोका ना जाए, उनका नामांकन वापसी का जो दबाव बनाया जा रहा है उसको कतई रोका जाए, ऐसा ना करने दिया जाए भारतीय जनता पार्टी को। और यह भाजपा का कैसे इस घटना से लेना देना है, कैसे उनकी भूमिका है, वो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। और इस पूरे मसले को लेकर मैं अभी गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ महोदया से मिलने के लिए जाऊंगा, ये उनके नाम पे मैंने पूरा पत्र भी बनाया है। हमारे गुजरात के सह प्रभारी राघव चड्ढा जी भी हमारे साथ जाएंगे, हम दोनों लोग अभी समय लेकर गुजरात चुनाव को संपन्न कराने का दायित्व जिनके ऊपर है सीईओ महोदया से मिलने के लिए जाऊंगा।
ये पहला वीडियो देखिए आप, ये आर ओ ऑफिस का, रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस का। अब आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिए चोटी वाला व्यक्ति देखिए आप इसमें, फिर से एक बार मोड़िए। ये हमारे प्रत्याशी हैं जो बीच में गोला किए हुए हैं, स्काई कलर की शर्ट पहने हुए हैं, ये हमारे कैंडिडेट हैं। अब फिर जाइए आप इस पे, ये हमारा कैंडिडेट नॉमिनेशन करते वक्त उसकी फोटो है, ये कंचन जरीवाला की फोटो है, और ये वो व्यक्ति है दाढ़ी वाला जिसको आपको पहचानना जरूरी है कि ये व्यक्ति है कौन। अब मैं आगे आपको बता रहा हूं, ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रवि के साथ मौजूद है। अब आप देखिए ये यहां पर मौजूद है, ये व्यक्ति जो हमारे प्रत्याशी को लेके आरओ ऑफिस में कुछ गुंडों के साथ आ रहा है। अब आगे आप आ जाइए, ये जो रवि नाम का व्यक्ति है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी के साथ और वहां के मंत्री, गुजरात के मंत्री महोदय चुड़ासमा जी के साथ, उणेश मोदी के साथ मौजूद है। पुणेश मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ, भूपेंद्र पटेल जी के साथ, पुणेश मोदी गुजरात के मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेता रवि देखा जा रहा है। निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण नेता होगा जिसके साथ ये दोनों लोग मौजूद हैं। और इसके पीछे आप जाएंगे, अगर इसके पीछे जाइए, नहीं वो रवि की फोटो जो इनके उस व्यक्ति के साथ है, हाँ ये, और ये रवि के साथ उस व्यक्ति की फोटो है जो हमारे प्रत्याशी कंचन जरीवाला के अपहरण में शामिल था। फिर पीछे जाइए, फिर पीछे जाइए, और पीछे, और पीछे, ये वो व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके संबंध मुख्यमंत्री और प्रदेश के मंत्री से हैं, वो हमारे कैंडिडेट के अपहरण में शामिल है। अब अंतिम में फिर से एक बार वो वीडियो दिखा दीजिए, ये देखिए आप, तो मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूं, चुनाव से पहले हार मत मानिए, चुनाव लड़िए, इस प्रकार से लोकतंत्र का गला मत घोटिए। ये अब तक आप लोग विधायकों का अपहरण कर रहे थे अलग अलग राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए, अब गुजरात में आपने नया तरीका शुरू किया है प्रत्याशी के अपहरण का, कि प्रत्याशी को ही आप अपहरण कर ले रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। मुद्दे बताइए, क्या आपने किया है 27 सालों में, उसका ब्यौरा दीजिए, चुनाव लड़िए, इस प्रकार से प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बनाकर उनका अपहरण करने की कोशिश मत कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग में जरा सी भी अगर निष्पक्षता है तो इस कैंडिडेट को
जिसका नाम वापसी का दबाव बनाया जा रहा है उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उसको स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना बनाया जाए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये अभी जा रहा हूं सीयू महोदय के पास और मैं समझता हूं कि निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए सबसे बड़ी अधिकारी हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनसे फोन पे भी वार्ता हुई। एसपी को डायरेक्शन मांगा है कि उनको इनके जांच की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए और इस पूरे इंसिडेंट को अभी तक क्यों नहीं करवाई कंप्लेंट, क्यों नहीं करवाई पोलिशन, तो आपको पता ही है कि कितने हुआ है। कह तो रहा हूं आपसे कि पूरी रात हम लोग परेशान रहे, सारे लोग इस बात की कोशिश करते रहे कि कैंडिडेट हमारा मिल जाए। जब एकदम सारे रास्ते बंद हो गए तो आपसे भी, अब रात में 3 बजे मैं कौन सी प्रेस वार्ता करता या रात में 2 बजे 3 बजे मैं कैसे पुलिस से कंप्लेंट करता। मैंने फोन के जरिए सीईओ महोदय को रात में ही बता दिया था, बल्कि मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि रात में ही उन्होंने फोन को अटेंड किया और तुरंत उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने रात में ही उनको फोन के जरिए बता दिया था, लेकिन जो आपने कहा कि ऑफिशियल कंप्लेंट की बात, वो अभी करने जा रहा हूं एसपी महोदय को भी और सीओ महोदय को। संजय जी, एक सवाल ऐसा भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पटेल त्रिपाठी के रिलेटिव को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने एमसीडी के टिकट के आवंटन में पैसे लिए थे। जो भी शिकायत है, जो भी दोषी है, उसको बचाने के लिए कभी आम आदमी पार्टी न खड़ी रही है न खड़ी होगी। जांच करने दीजिए, किसी को अनावश्यक तंग न किया जाए और कोई अगर दोषी मिलता है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।